यूपी से दुबई पैसे कमाने गया था गोरखपुर का राजेश, पड़ गए जिंदगी के लाले। योगी से मोदी तक को अब भेज रहा अपनी दर्द भरी तस्वीरें, मदद की लगा रहा गुहार। पैसों के लालच में हिंदुस्तान छोड़कर गया और दुबई में शेख उसके साथ कर रहे ऐसी ऐसी हरकतें। अब क्या होगा, क्या योगी करेंगे मदद या फिर रोते रोते कट जाएगी जिंदगी। विदेश से पैसा कमाने का सपना एक परिवार की तबाही का कारण बन गया। तस्वीरों में रोता दिख रहा ये चेहरा खुशहाली का ख्याल लेकर दुबई गया था, लेकिन दुबई में काम तो नहीं मिला, ऊपर से शेखों का शिकार बन गया। शेख अब इस शख्स के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हकीकत से जब पर्दा उठा तो परिवार परेशान हो उठा और अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गोरखपुर के राजेश को दुबई में दिरहम कमाने का सपना दिखाया गया और 1 लाख नौकरी देने का वादा किया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। राजेश जैसे ही दुबई पहुंचा तो सबसे पहले उसके दस्तावेजों पर शेखों ने कब्जा कर लिया और उसके बाद फिर शुरू हुआ शर्मनाक प्रताड़ना का दौर। जिस नौकरी का वादा राजेश से किया गया था वो तो नहीं मिली, लेकिन उसको ऐसे काम दे दिए गए जिसे करने से हर शख्स को गुरेज हो। दरअसल गोरखपुर के बांस गांव के रहने वाले राजेश को अपनी आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए दुबई जाना महंगा पड़ गया। वो जनवरी में एजेंट के जरिए दुबई गया था, वहां उसे इलेक्ट्रीशियन की नौकरी देने का वादा किया गया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे गोरखपुर के राजेश ने इसके लिए अपनी पत्नी के गहने बेचे और कर्ज भी लिया। इसके बाद एजेंट को 65,000 रुपए देकर वो 30 जनवरी को दुबई पहुंचा। उसे लग रहा था कि दुबई की नौकरी परिवार की सारी परेशानियों को खत्म कर देगी और उसके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहां पहुंचते ही उसके साथ जो हुआ उसकी कल्पना तो राजेश ने कभी नहीं की थी। दुबई पहुंचते ही नौकरी देने वालों ने उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। इसके बाद दूसरे दिन से उससे इलेक्ट्रीशियन की जगह सड़क निर्माण में गिट्टी बालू ढुलाई का काम कराया जाने लगा। राजेश को काम नहीं करने पर जेल में बंद करने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में परेशान होकर राजेश ने एक वीडियो अपनी पत्नी के पास भेजा है, जिसमें उसने अपनी तकलीफ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दुबई से भारत बुलाने की गुहार लगाई है। राजेश से हार तोड़ काम लेने के बावजूद ना तो उसे भोजन दिया जा रहा है और ना ही पीने को पानी। वीडियो में रोते बिलखते राजेश कुमार देश वापस आने के लिए छटपटा रहे हैं। इस वीडियो को जब उसने अपनी पत्नी के मोबाइल पर भेजा तो हकीकत जानकर परिवार में कोहराम मच गया। राजेश की पत्नी मीना ने भारतीय दूतावास में पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है। राजेश को दिन में ताबड़तोड़ मेहनत कराने के बाद धमकाया भी जा रहा है कि उसे दुबई की जेल में बंद करवा दिया जाएगा। पीड़ित परिवार उसकी सुरक्षित घर वापसी को लेकर बेहद चिंतित है। परिवार के लोगों और पत्नी मीना ने जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपने पति को दुबई से भारत वापसी के लिए गुहार लगाई है। परिवार की मांग है कि सरकार राजेश को जल्द से जल्द देश में वापस लेकर आए। राजेश की पत्नी ने जब से ये वीडियो देखा है तब से उसका रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं राजेश भी दुबई में हर वक्त खतरे की जद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।